हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही पॉपुलर इंडियन रेसिपी जो है समोसा। इस वीडियो में मैं सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके समोसे बिल्कुल बाजार जैसे खस्ता बन के रेडी होंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले बाउल में लेंगे 2 कप मैदा, ये वेट में करीबन 250 ग्राम जितना है। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा आटा भी ले सकते हैं। फिर डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और साथ ही में आधी छोटी चम्मच अजवाइन। अजवाइन को मैंने हाथ से मसल के लिया है। अब हम डालेंगे मोइन। तो मैं यहाँ पे 4 बड़े चम्मच देसी घी का यूज कर रही हूँ जिससे समोसा बिल्कुल खस्ता बन के तैयार होंगे। आप चाहे तो तेल भी यूज कर सकते हैं। अब मोइन को मैदे में अच्छे से मसल के मिलाना है, तभी तो हमारे समोसे की लेयर बिल्कुल खस्ता बनेगी। थोड़ी देर मसलने के बाद आप मुट्ठी बांध कर देखेंगे तो ये बन रहा है, मतलब हमने बिल्कुल सही मोइन लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा कप पानी लिया है। तो पहले थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छे से मिला लेंगे। समोसे का डो सख्त होता है, इसलिए पानी को बैचेस में डाल के डो रेडी करना है। फिर से थोड़ा पानी डालेंगे और मिला लेंगे। अगर डो नरम होगा तो जब आप समोसे फ्राई करेंगे तो उसके ऊपर बहुत सारे बबल्स आ जाएंगे, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरीके का सख्त आटा बनाना है। मैंने यहाँ पे डो लगाने के लिए एग्जैक्टली आधा कप पानी यूज किया है। अब हम इसे ढक के आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए साइड पे रख लेंगे और चलते है समोसे का मसालेदार स्टफिंग बनाने के लिए। तो उसके लिए गैस ऑन करके पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच साबुत धनिया, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, आधी बड़ी चम्मच जीरा। अब सबको लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। स्टफिंग में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। मसाला अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब मसाले को हम खलबट्टा में ले लेंगे और फिर इस सारे मसाले को मोटा मोटा कूट लेना है, उसका पाउडर नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पे मैंने 4 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आप चाहे तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम गैस ऑन करके पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 बड़ी चम्मच जितना तेल। तेल के गर्म होने के बाद डालेंगे 1/3 छोटी चम्मच हींग, 1/2 इंच कटा हुआ अदरक का टुकड़ा और साथ ही में 2-3 कटी हुई ग्रीन चिली और इसे मीडियम फ्लेम पे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर डालेंगे 1/2 कप मटर। यहाँ पे मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं, इसलिए जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे काजू के टुकड़े और किशमिश, इसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब बारी आती है आलू की, तो जो हमने बॉइल आलू के पीस करके रखे थे वो डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। आलू को मिलाने के बाद हम डालेंगे मसाले, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद हो तो लाल मिर्च पाउडर ज्यादा डालें। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ी चम्मच आमचूर पाउडर। अब हमने जो मसाला तैयार करके रखा था वो डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 बड़ी चम्मच मसाला डालूंगी, फिर थोड़ी सी कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच पीसी हुई चीनी टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। आप चाहे तो चीनी को स्किप भी कर सकते हैं। अब सारे मसाले को आलू के साथ अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है। फिर इसे इस तरह से रफली मैश कर लेंगे और लास्ट में डालेंगे कटा हुआ धनिया, उसे भी अच्छे से मिला लेंगे। हमारा समोसे का स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और चलते हैं आटे की ओर। आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है, तो इसे हम थोड़ा सा गूंद के स्मूथ बना लेंगे। आटे को स्मूथ करने के बाद एक लंबा सा सिलेंडर जैसा बना लेंगे ताकि हम इसमें से इक्वल साइज की लुई बना सके। अब लंबा सा सिलेंडर जैसा बना के उसमें से इक्वल साइज के पीसेस कट कर लेंगे।
और उसमें से एक पीस ले लेंगे और बाकी के पीसेस को बाउल में लेके ढक के साइड पे रख लेंगे ताकि वो सूख ना जाए। अब समोसे की शीट रेडी करेंगे। उसके लिए लेंगे एक लुई और उसे बेल लेंगे। हमें उसे लंबा बेलना है, ओवल शेप जैसा, रोटी जैसा बिल्कुल नहीं बेलना है। ओवल शेप से समोसे को पैक करने में आसानी होगी। हमें इसको मीडियम थिक बेलना है। अगर आप पतला बेलेंगे तो समोसे का शेप ठीक से नहीं आएगा। अब ये शीट रेडी है। अब हम इसे बीच में से काट लेंगे। ये देखिए, एक लुई में से दो समोसे की शीट रेडी होगी। मैंने सारे समोसे की शीट बना के रेडी कर ली है। अब हम इसमें से समोसे रेडी करेंगे। तो उसके लिए एक शीट को ऐसे हाथ में लेंगे और उसकी ये लाइन पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे ताकि समोसा फ्राई करते टाइम पे खुल ना जाए। अब उसे जोड़ने के लिए एक साइड को ऐसे दूसरी साइड पे रख लेंगे। इस तरह से कौन बना के और फिर उंगली और अंगूठे से दबाते हुए उसे नीचे तक चिपका देंगे ताकि समोसा खुल ना पाए। ये देखिए, इसको कौन जैसा शेप दे दिया है। अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग ऊपर तक नहीं भरना है, कौन का ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली रखना है। ऊपर के किनारों पे भी पानी लगा लेंगे क्योंकि हमें इसे भी चिपकाना है। तो चारों ओर पानी लगा लिया है। अब पीछे के हिस्से में इस तरह से प्लेट डालेंगे ताकि समोसे का शेप अच्छा बने। अब आगे के हिस्से को पीछे के हिस्से से मिलाते हुए चिपका लेंगे और दबाकर पतला भी कर लेंगे। ये हमारा समोसा बनकर तैयार हो गया है। ये जो फोल्ड है इसे गणपति फोल्ड बोलते हैं। ये फोल्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा करने से ही समोसा अच्छे से बैठ पाएगा, वरना फ्राई होने के बाद वो गोल गोल घूमता रहेगा। इसी तरह से बाकी के भी समोसे बना लेंगे। तो ये सारे समोसे बनके रेडी हो गए हैं। इतने मेजरमेंट के साथ आप इतनी साइज के 10 समोसे बना सकते हैं। अब हम इन समोसों को आधे घंटे के लिए ड्राई होने के लिए साइड पे छोड़ देंगे ताकि जो जॉइंट्स है जहाँ पे पानी लगाया था वो पूरी तरह से सूख जाएंगे और अच्छे से चिपक जाएंगे। आधे घंटे के बाद समोसे सेट हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो उसके लिए गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रखेंगे। तेल के गरम होने के बाद गैस की फ्लेम लो कर लेंगे और फिर उसमें समोसे डाल देंगे। ध्यान रखें, आपको गैस की फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखनी है, वरना समोसे में तुरंत बबल्स आ जाएंगे। हमें इनको छुए बिना 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे फ्राई होने देना है। अगर आप इन्हें तुरंत छुएंगे तो समोसे खुल भी सकते हैं। 2-3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं समोसे तैर कर ऊपर आ गए हैं और अच्छे से शेप फॉर्म कर लिया है। अब हम इन्हें पलट लेंगे और फिर समोसे को लो फ्लेम पे उसका कलर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ध्यान रखें, समोसे को 2-3 मिनट के बाद पलटते रहना है, वरना उस पे हीट स्पॉट बन जाएंगे। तो करीबन 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं सारे समोसे इवनली गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। समोसे के पकने की पहचान होती है समोसे के इस जॉइंट से। इसमें थोड़ा सा भी सफेद नहीं दिखना चाहिए। अब हम सारे समोसे को निकाल देंगे। अगर आपको और ज्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप इसे और 1 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। अब समोसे की दूसरी बैच को फ्राई करने के पहले गैस ऑफ करके तेल को ठंडा कर लेंगे। 2 मिनट के बाद तेल थोड़ा ठंडा हो गया है। अब हम गैस ऑन करके लो फ्लेम रख के समोसे डाल देंगे। तो समोसे में बबल ना हो इसलिए आपको 3 चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले डो को थोड़ा सख्त लगाना है। फिर दूसरी चीज, समोसे को फ्राई करने के पहले मिनिमम आधे घंटे के लिए सूखने देना है ताकि समोसे की ऊपरी परत में नमी है वो कम हो जाए। और तीसरी चीज कि समोसे को लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप समोसे डालने की 4-5 मिनट के बाद भी गैस की फ्लेम हाई करेंगे तो ये समोसे बाहर से तो गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे पर अंदर से अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको इसे लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अब ये समोसे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें भी निकाल देंगे।
यहाँ पे मैंने थोड़ी जल्दी में समोसे बनाने के 10 मिनट के बाद इसे फ्राई कर लिया था, इसलिए इसमें थोड़े से बबल्स आ गए हैं, लेकिन आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम चलते हैं सर्विंग की प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने समोसे को टोमेटो केचप और फ्राई ग्रीन चिली के साथ सर्व किया है। इसका ये बाहर का लेयर भी देखिए, है ना एकदम क्रिस्पी। अब मैं इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ, है ना बिल्कुल परफेक्ट। अंदर तक अच्छे से सिका हुआ भी है और खस्ता भी, और साथ ही में मजेदार आलू की स्टफिंग। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।